राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बने एकमात्र इंडोर रिंग का जिम्मा अब सरकार ने अपने पास ले लिया है। बता दें कि इससे पहले एक निजी कंपनी इसका संचालन कर रही थी। विगत 13 साल से बदहाल पड़े साउथ ईस्टर्न एशिया के एकमात्र आइस स्केटिंग रिंग के खुलने की उम्मीद जगी है और इसे खेल विभाग के सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार 2011 में साउथ ईस्टर्न एशियन विंटर गेम्स के लिए 80 करोड़ की लागत से इस आइस स्केटिंग रिंग को बनाया गया था। साथ ही इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका ने हिस्सा लिया। सिर्फ एक आयोजन के बाद यहाँ न कोई प्रतियोगिता हुई और न ही यहाँ कोई खिलाड़ी अभ्यास करता है। ऐसे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए बने इस रिंग का लाभ खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा था। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। गोवा की आइस स्केटिंग रिंक सहित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो था वो ILFS के पास हमने लीज पे दिया हुआ था 30 साल के लिए। उसके बाद फिर वो कंपनी उसको चला नहीं पाई, फिर कोविड आया, बैंकरप्ट हो गई, NCLT में गई, NCLT से डिसीजन हुआ। अभी हमने उसको राज्य सरकार ने अभी उसको हमने टेक ओवर किया करीब 2-2.5 महीने पहले। तो उसके बाद चूँकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद उसमें कोई भी इवेंट हो नहीं पाया, उसके मेंटेनेंस भी उन लोगों ने नहीं की, बहुत सारी चीज़ें खराब रही वहाँ पे, जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज वगैरह हैं उन सबको ठीक करा के उसको हमारा शुरू करने का प्रयास है। और अगर आप अभी जाएंगे तो वहाँ पे काम तेज़ी से चल रहा है। अभी राज्य सरकार के सामने हमने प्रस्ताव रखा था तो वित्त विभाग ने अभी उसमें 10 करोड़ रुपये देने की सहमति जताई है। तो उम्मीद है कि हम उसको जल्दी ही रेनोवेट करा के, जल्दी ही उसको रिपेयर करके, सारी चीज़ों को ठीक करके हम उसको जल्द से जल्द हमारा शुरू करने का प्रस्ताव।